हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सूर्य देव। गाइस, आज के लेक्चर में हमें एस्केप सीक्वेंसेस को समझना है इन सी प्रोग्रामिंग। सो क्या क्या आज हम समझेंगे? पहला एस्केप सीक्वेंस, इसे हम कहते हैं स्लैश एन, और ये क्यों होता है यूज़? एक नई लाइन पर आने के लिए। सेकंड है हमारा स्लैश बी, ये इसका नाम बैक स्पेस, ये काम काम देता है बैक स्पेस के लिए अगर हमें एक स्टेप पीछे जाना हो। ओके, थर्ड इज कैरिएज रिटर्न, ये क्या करता है? ये हमें बिल्कुल बिगिनिंग पर ले जाता है जहाँ से हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। फोर्थ स्लैश टी, दिस इज फॉर टैब स्पेस, अगर हमें दो वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए हो तो ये उसके काम आता है। एंड दिस इज फॉर अलर्ट, ये स्केप सिक्वेंस यूज होता है हमें डबल क्वोट्स को प्रिंट करने के लिए, ये यूज़ होता है सिंगल क्वोट्स को, सिंगल स्लैश को प्रिंट करने के लिए। तो हम इसे वन बाय वन इसे डीपली समझेंगे। तो हम सबसे पहले स्लैश एन को समझते हैं फॉर अ न्यू लाइन। मान लीजिए हमारा टास्क क्या है कि हमें हेलो प्रोग्रामर्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। ओके, तो एक बिगिनर करता क्या है, वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है। उसने पहली लाइन में लिखता है प्रिंट एफ हेलो और सेकंड लाइन में लिखता है प्रिंट एफ प्रोग्रामर्स, और वो सोचता है कि हमारा हेलो पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्रामर्स सेकंड लाइन में प्रिंट हो जाएगा। पर ये बिल्कुल गलत है, हमारा हेलो प्रोग्रामर इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में ही प्रिंट होगा। तो अब हम इसे कोड ब्लॉक पर समझते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है पहले स्टेटमेंट में प्रिंट एफ हेलो और सेकंड स्टेटमेंट में प्रिंट एफ प्रोग्रामर्स। अब मैं इसे रन करता हूँ। जब मैंने इसे रन किया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, हेलो प्रोग्रामर्स इन अ सिंगल लाइन, हमें दूसरी लाइन नहीं मिली। तो दूसरी लाइन के लिए हम क्या करें, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हमें यूज करना होगा इस एस्केप सिक्वेंस को। गाइज, इस स्लैश को हम कहते हैं एस्केप, और जो भी इसके आगे यूज होता है उसे कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यूज़ किया एन, तो इस एन को कहते हैं सीक्वेंस, तभी इन दोनों का नाम पड़ता है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। ओके, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा इस स्लैश एन का अगर मुझे न्यू लाइन पर पहुँचना है? तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ हेलो और फिर स्लैश एन, स्लैश एन मीन्स नई लाइन, हेलो प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन में, फिर हम स्लैश एन की वजह से सेकेंड लाइन पर आएंगे और सेकेंड लाइन में प्रिंट हो जाएगा प्रोग्रामर्स। ओके, ये हुई दो लाइंस में लिखने की बात। अब हमें अगर एक ही लाइन में लिखना हो और अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ एक ही डबल क्वोट्स में हेलो, फिर लिखा स्लैश एन और फिर लिखा प्रोग्रामर्स, तो इस लाइन की हेल्प से भी हेलो एक लाइन में प्रिंट होगा और प्रोग्रामर्स सेकेंड लाइन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्लैश एन और फिर इसे रन करता हूँ, तो आप देखो हेलो एक लाइन में प्रिंट हुआ, प्रोग्रामर एक दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर लिखता हूँ प्रोग्रामर्स और इस लाइन को हटा देता हूँ, तो भी हमारा हेलो प्रोग्रामर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। आप देख रहे होंगे हेलो एक लाइन में प्रिंट हुआ, प्रोग्रामर्स दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ। तो अब हम अपने सेकंड स्केप सीक्वेंस को समझते हैं, डेट इज स्लैश टी यूज फॉर टैब स्पेस। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें हेलो प्रोग्रामर्स के बीच में स्पेसेस चाहिए, तो अपन बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सिंपली स्पेस प्रिंट करने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। उन्होंने लिखा हेलो, स्पेस बार प्रिंट किए बहुत सारे और फिर प्रोग्रामर्स, अगर एक दो तीन नहीं बहुत सारे चाहिए तो उन्होंने ज़्यादा स्पेस दे दी। पर ये गलत मेथड है, बिकॉज अगर हमें बहुत सारी स्पेस देनी तो क्या हम स्पेस बार ही प्रिंट करते थोड़ी रह जाएंगे। ओके, तो इस वजह से हमें यूज करना होता है इस एस्केप सीक्वेंस का, डेट इज स्लैश टी। ये स्लैश टी क्या करता है, नोट पॉइंट है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, क्या पहले वर्ड से लेके इस वर्ड के बीच में, मीन्स ये वाला वर्ड के बीच में 8 बिट्स का डिफरेंस होता है, मीन्स बिगिनिंग से लेके इसके बिगिनिंग तक 8 बिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये 5 बिट्स हो गई, मीन्स अब यहाँ पर 3 बिट्स की स्पेस होगी। जैसे कि ये मैंने लिखा है हेलो और फिर ये 3 स्पेसेस और फिर प्रोग्रामर्स। रही बात
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस ओ और पी के बीच में कितनी बिट्स प्रेजेंट है। गाइस 3 बिट्स प्रेजेंट है। ओके, कैसे? अब रही बात प्रूफ की कि 3 बिट्स ही होती हैं, तो हम कोड ब्लॉक पर आते हैं। तो अब मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया। कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद मैंने पहली लाइन क्या लिखी, हेलो, और मैंने 3 स्पेसेस ही दिए, पहला स्पेस, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और फिर लिखा प्रोग्रामर्स और लिखा स्लैश एन ताकि मेरी लाइन चेंज हो जाए, और सेकंड लाइन में लिखा हेलो स्लैश टी प्रोग्रामर्स। अगर ये दोनों लाइंस सेम होती हैं, मीन्स यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है और नीचे भी, तो इस स्लैश टी की वजह से यहाँ पर 3 बिट्स प्रेजेंट हुई। रन किया मैंने, सी गाइस, हेलो प्रोग्रामर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड्स के नीचे लिखा है। मीन्स इस ओ और इस पी की में कितनी बिट्स का डिफरेंस होगा, 3 बिट्स का। और रही बात अगर मैं इस हेलो की जगह सिर्फ और सिर्फ एच ई ही प्रोग्रामर्स लिखता हूँ और लिखता हूँ स्लैश टी, तो कितनी बिट्स प्रेजेंट होंगी, 6। वाई, 3 ये वाली बिट्स और 3 ये वाली बिट्स, तो टोटल होगी 6 बिट्स। तो मैं इसमें अभी 3 स्पेसेस और देता हूँ, एक, सॉरी, पहले इनको रिमूव कर देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और अब इसे रन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल 1 बाय 1 कैरेक्टर्स एक के एक नीचे लिखे हैं, तो आपको शायद से कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि स्लैश टी कब यूज़ होती है, स्पेस देने के लिए। अगर मुझे ज़्यादा स्पेस देनी है तो मैं ज़्यादा स्लैश टी यूज़ कर, स्लैश टी जितनी भी मुझे स्पेस देनी है, तो बहुत सारी स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट एस्केप सिक्वेंस को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एस्केप सिक्वेंस है स्लैश बी फॉर बैक स्पेस। मान लीजिए हमें एक स्टेप पीछे जाना है, तब हम इस ब्लैक्स बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ सूर्या और लिखा स्लैश बी। अब इस स्लैश बी की वजह से हमारा कर्सर इस ए पर ब्लिंक करने लगेगा। पहले कब करता है, पहले अगर हम सिंपली लिखते हैं सूर्या डबल क्वोट्स के अंदर और ये स्केप सिक्वेंस का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता है इस पूरे नाम के बाद, पर स्लैश बी के कारण हम हमारा कर्सर एक स्टेप पीछे आ चुका है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ सूर्या स्लैश बी देव, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सूर देव, ए यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों ए गायब हुआ वो बताता हूँ। इस स्लैश बी के कारण हमारा कर्सर ए के ऊपर पहुँच चुका था, ए के ऊपर, फिर हमें प्रिंट करना था देव, तो ए के ऊपर ही डी प्रिंट हुआ और फिर उसके ऊपर ई और वी, मीन्स ओवरराइट हो गया इस स्लैश बी के कारण। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ सूर्या 2 बार स्लैश बी, तो अब हमारा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, वाई पर, वाई पर पहुँच गया, और अब उसे प्रिंट करना है डी वी, तो वाई की जगह वो डी प्रिंट करेगा, इसकी जगह ई और वी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सुरदेव। आई थिंक बैक स्पेस का यूज़ करना समझ आया, और अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसका एक करेक्ट आंसर से दे पाएं। अब हम अपने नेक्स्ट स्केप सिक्वेंस को समझते हैं, डेट इज स्लैश आर कैरिएज रिटर्न। पहले मैंने क्या लिखा है, इस कैरिएज रिटर्न से मैंने पहले ही बताया हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाता है, बिल्कुल बिगिनिंग में। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट एफ सूर्या स्लैश आर, तो इसका इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा कर्सर यहाँ पर एस पर ब्लिंक करने लगेगा और यू आर वाई ए एज इट इज। और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ सूर्या स्लैश आर और डी आई वी, तो अब क्या आएगा आंसर, अब आंसर आएगा दिव्या। वाई, बिकॉज हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा था, एस पर ब्लिंक कर रहा था, फिर उसे प्रिंट क्या करना था, डी आई वी, तो एस पर ओवर राइट हुआ डी, यू पर ओवर राइट हुआ आई और आर पर ओवर राइट हुआ वी, तो इस वजह से हमें आंसर मिला दिव्या। तो एक बार मैं कोड ब्लॉक पर भी चलाता हूँ एक बार, तो मैंने यह क्या लिखा, पहले लिखा सूर्या फिर स्लैश आर और फिर डी आई वी। अब मैं इसे रन करता हूँ, जब मैंने रन किया तो हमारा आंसर क्या आया, दिव्या। नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्केप सिक्वेंस, डेट इज फॉर अलर्ट। गाइस जब भी हम इसे यूज करते हैं तो एक बीप साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे कंप्यूटर से और लैपटॉप से, जो ये बताती है कि हम जो भी आगे करने वाले हैं, अलर्ट देती है हमें कि हम ये काम कर चुके हैं और ये हम करने जा रहे हैं।
आप अगर रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने देखा होगा टाइपराइटर जब टाइपिंग कर रहा होता है तो बार बार एक बीप साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, वो इस स्लैश ए के कारण होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सूर्या स्लैश ए, तो ये स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस स्लैश ए के कारण सिर्फ और सिर्फ एक बीप साउंड प्रोड्यूस होगा। कैसा बीप साउंड होता है वो मैं बताता हूँ। मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया और मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट एफ सूर्या स्लैश ए, और लिखा है डी आई वी जो पुराना था, स्लैश आर की जगह सिर्फ और सिर्फ सॉरी डी आई वी भी मैं हटा ही देता हूँ। रन किया मैंने, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो बीप साउंड है, सूर्या एज इट इज प्रिंट हो गया। अगर मैं कुछ और चाहता हूँ प्रिंट करना, ठीक है, मैंने स्लैश लिखा है डी आई वी लिखा है, प्रिंट हुआ एज इट इज पर बीप साउंड भी प्रोड्यूस हुआ। सो आई थिंक अलर्ट का भी समझ आया हो आपको। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्किप सिक्वेंस, डेट इज बैक स्लैश। मान लीजिए हमारा टास्क है कि हमें बैक स्लैश ही प्रिंट करना है अपनी कंसोल पर, तब हम क्या करें? क्वेश्चन इज हमें अपनी कंसोल पर प्रिंट करना है ये चीज, स्लैश सूर्या स्लैश देव। तो स्टूडेंट्स बहुत से क्या करते हैं, वो लिखते हैं प्रिंट एफ डबल क्वोट्स के अंदर स्लैश सूर्या और स्लैश देव, तो और रन करने के बाद उन्हें एक एरर मिलता है। ठीक, एरर क्या मिलता है वो बताता हूँ। एरर ये मिलता है कि स्लैश एक स्लैश एस एक एस्केप सीक्वेंस नहीं है, स्लैश डी एक एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ये उन्हें एरर मिलता है। तो इसका करेक्ट मेथड क्या है ये यूज करना, डबल स्लैश यूज करेंगे तो कंसोल पर सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश प्रिंट होगा। इसकी वजह से एक स्लैश हुआ, सूर्य प्रिंट हुआ, फिर स्लैश प्रिंट होगा, फिर देव प्रिंट होगा। तो डबल स्लैश की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमारा टास्क है कि हमें सूर्या देव को डबल क्विट्स के अंदर ही प्रिंट कराना है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट इसे अच्छे से समझना, और ये वाइवा में पूछा जाता है जनरली, और जनरली बच्चे गलत करते हैं। क्या बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लिखते हैं प्रिंट एफ, वो सोचते हैं कि डबल क्वोट्स के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ कंसोल पर प्रिंट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक डबल क्वोट्स यहाँ लिखते हैं, एक डबल क्वोट्स यहाँ, और फिर उन दोनों डबल क्वोट्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि डबल क्वोट्स के अंदर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, पर वो एरर जनरेट हो जाता है। एरर क्यों आता है वो बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो भी चीज़ हम डबल क्वोट्स के अंदर लिखते हैं वो कंसोल पर प्रिंट होती है, यस और नो? ओके, तो हमने पहले लिखाया यहाँ पर डबल क्वोट्स, यहाँ दो लगाए पर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। हमें कहाँ लिखना होता है, इन दो डबल क्वोट्स के अंदर, पर हमने इधर कुछ भी नहीं लिखा, हम इसके बाहर लिख रहे हैं सूर्या देव, बाहर लिखा। फिर हमने डबल क्वोट्स लिखा है, डबल क्वोट्स हमने इनके अंदर भी नहीं लिखा, इस वजह से हमारी एरर जनरेट हुई। बिकॉज क्योंकि हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो इन डबल क्वोट्स के अंदर, पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों डबल क्वोट्स के बाहर लिख रहे हैं एक चीज। आई थिंक समझ आया हो। तो असली मेथड क्या है, सही मेथड क्या है स्लैश डबल क्वोट्स के अंदर सूर्यदेव प्रिंट कराने का, ये अगर हम लिखें प्रिंट एफ स्लैश डबल क्वोट सूर्यदेव और फिर स्लैश डबल क्वोट, तो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा ये चीज। ओके, और रही बात अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्विट्स ही चाहिए हों डबल क्विट्स की जगह, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला स्केप सीक्वेंस। तो ये कुछ स्केप सीक्वेंस थे, अगर आपको डाउट हो किसी भी स्केप सीक्वेंस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगे कि आपको जानना चाहिए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।